एक बहुत ही शर्मनाक घटना उत्तर प्रदेश के बनारस से आ रही है। जी हाँ, हम आपको बता दें, यह वही बनारस है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है अपने सुंदरता के लिए। जहाँ बनारस के घाट पे सेल्फियाँ लेनी एक बहुत ही आम बात है। जहाँ पे बनारस की खूबसूरती उनकी गंगा माँ की संध्या आरती से है। जिस बनारस की खूबसूरती इस बात से है कि उस बनारस के सांसद हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। जिस बनारस की खूबसूरती यह है कि वह उत्तर प्रदेश राज्य का एक अंग है और उसके मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ हैं, जिनको आजकल बुलडोजर बाबा कहा जाता है। अपराधियों पे बहुत ही बुलडोजर चलाते हैं, यह घटना सामने भी आती है। लेकिन यह बनारस, यह वही बनारस है जहाँ छोटी बच्चियों के साथ रेप का मामला सामने आता है, एक युवती के साथ बार बार बलात्कार का मामला सामने आता है। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी ही खबर बताने जा रहे हैं। एक बनारस में सामने आया एक बलात्कारी मामा। सदियों पहले एक मामा था, मामा कंस, और यह दूसरा है बलात्कारी मामा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का यह योगी सरकार में, उत्तर प्रदेश में पूरे भारतवर्ष में 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में यूपी दूसरे नंबर पे है। एक साल में 2779 बलात्कार की संख्या सामने आई थी। तो ये कैसी विडंबना है उत्तर प्रदेश की, जहाँ के सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है जिस उत्तर प्रदेश में, उसी उत्तर प्रदेश में एक यह घटना सामने आती है कि घटना कुछ इस तरह है कि एक मामा है जो वर्षों पहले अपनी भांजी को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने को लेकर उसको मजबूर किया, और एक बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, मजबूरन भांजी ने शायद मान गई, और उसके साथ एक चोरी छुपे एक वीडियो बनाया, जिस वीडियो का स्क्रीनशॉट वो पर हर कुछ दिनों पे भेज के पिछले एक डेढ़ साल से अपनी भांजी के साथ वो बलात्कार किया जा रहा था, ब्लैकमेल किया जा रहा था। और भांजी की शादी हो गई, भांजी ने कहा कि भांजी ने अपने ये शारीरिक शोषण होने से अपना इसका विरोध किया, मना किया मामा को, पर मामा नहीं माना। उसे धमकी दी गई कि यह वीडियो सबको भेज दिया जाएगा, तुम्हें ये परेशान किया जाएगा, और इसी के डर से भांजी उसके मामा के साथ शारीरिक संबंध बनाती रही। पर बात जब सर से ऊपर चली गई, पानी से सर से ऊपर चली गई, बात बहुत बढ़ गई, लड़की को यह महसूस हुआ कि नहीं, अब परिजनों को बता देनी चाहिए, तो उन बच्ची ने अपनी परिजन को बताया, और परिजन जाकर लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र में अपने जो गृह का उनका थाना क्षेत्र है वहाँ पे जाके उन्होंने ये प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस इस मामले में जुटी हुई है और बहुत ही जल्द, पुलिस का वादा है कि वो बहुत ही जल्द इसका एक निष्कर्ष निकाल के सामने लाएंगे। लेकिन बात यह नहीं है कि यहाँ पे ऐसी मामले सामने आती है। ऐसी मामला एक सामने आए तो समझ में आता है, लेकिन हर साल हजारों के संख्या में ऐसी मामला सामने आती है। क्या हम ऐसे, मतलब ऐसे प्रधानमंत्री के शासन में हैं जिनके खुद अपने क्षेत्र में यह स्थिति है? बनारस तो नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका क्षेत्र है, वहाँ के सांसद तो स्वयं वो है। तो अगर उनके क्षेत्र में जब जनता सुरक्षित नहीं है तो आम जगह क्या जनता सुरक्षित रहेगी? और इसी के साथ हमारी आपसे यह गुजारिश है कि आप एक सुझाव दें किस प्रकार इस बलात्कार की घटनाओं को हम कम कर सकते हैं। तो इसी आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। सभी लोग कमेंट में आके एक सुझाव जरूर दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सीतामढ़ी अमृत।